तो हमने अभी तक क्या किया, कोलिजन्स के अंदर हमने, अगर आप बात करते हो कोलिजन्स की, तो कोलिजन के अंदर हमने लीनियर मोमेंटम जो कांस्टेंट किया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट सिर्फ इलास्टिक में है, बाकी में नहीं है। टोटल एनर्जी तो दुनिया में ही कांस्टेंट है, वो तो है ही है, क्योंकि टोटल एनर्जी में हीट एंड साउंड भी आती है, टोटल तो यूनिवर्स में कांस्टेंट ही है। तो इलास्टिक कोलिजन हमने कर लिया, इन इलास्टिक कोलिजन हमने कर लिया परफेक्टली, इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल भी किया। अभी हम वांडी वांडी कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वांडी के अंदर हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किए थे, रेस्टिट्यूशन भी हमने कर लिया, फिर रेस्टिट्यूशन के एग्जाम्पल भी हमने किए थे, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको आज रिवाइज करवा दिया सारा। V1 V2 के फॉर्मूलाज हमने कर लिए सारे के सारे, ये मास अगर सेम है तो क्या करना है ये भी मैंने बता दिया। फिर इनइलास्टिक कोलिजन में, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या करना है, पहली क्वेश्चन किसकी बनेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन की, दूसरी क्वेश्चन किसकी बनेगी, रेस्टिट्यूशन की, ये भी करवा दिया आज लेक्चर में। फिर अगर वेलोसिटीज ऑपोजिट है, ये आज मैंने करवाया था आपको अभी प्रैक्टिस के टाइम पे, अगर वेलोसिटीज ऑपोजिट है तो नेगेटिव साइन लेना है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट है 58 नंबर शीट के बाद शीट नंबर 59 नंबर शीट में हमने परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का ये एग्जांपल सारे कर लिए थे, एनर्जी कंजर्वड और ये एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है, कितनी रिटेन करती है, ये सारा हमने पार्ट कर लिया। इस पार्ट के बाद ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना प्लीज, ये नहीं किया, इस क्वेश्चन को देखें, देखो अ बॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स अ हैवी वॉल मूविंग टुवर्ड्स द बॉल विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ये क्या दीवार भी मूव कर रही है, तो एक बहुत हैवी दीवार है जिसका मास नहीं पता, बॉल का मास नहीं पता, दीवार का मास नहीं पता, वो कह रहा है इसकी वेलोसिटी 2 है, दीवार की वेलोसिटी 1 है, U1 U2 गिवन है, आपको ये बताना है आफ्टर कोलिजन V1 V2 क्या होगा। देखो ये दीवार को तो फर्क पड़ता नहीं बॉल से, वो तो पहले भी वन से मूव कर रही है, टक्कर खा के बॉल चली जाएगी, वो बाद में भी वन से मूव करेगी, तो एक आंसर तो बिल्कुल क्लियर है 1, पर बॉल की वेलोसिटी क्या है ये मुझे निकालनी है, यानी मुझे V2 निकालना है। अब V2 निकालने के लिए सबसे पहली चीज माइंड में पता है क्या आती है, वो बड़े बड़े फॉर्मूलास, फॉर्मूला लिखो V2 का, वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। इसमें कर नहीं सकते, क्यों, मास नहीं गिवन दोनों के, बिना मास के V1 V2 निकलेगा कैसे, अब ये प्रॉब्लम है। तो बिना मास के, अगर मान लो आपको मास नहीं गिवन और फिर भी आपको V1 V2 निकालना हो, तो एक ही चीज़ बचा सकती है, उसका नाम है कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई क्या होता है, 1, क्योंकि इकलौता यही फॉर्मूला है जिसमें मास यूज नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी का रिलेशन है, तो E1 है। V2 और V1 में फाइनल वेलोसिटी U1 यहाँ पर देखते हैं, U1 की वैल्यू क्या है 2, U2 की वैल्यू क्या है -1, तो एक 2 एक -1, और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, V2 क्या है -1 और V1 क्या है, मान लो माइनस, पता ही है रीमाउंट होनी है, दीवार तोड़ के थोड़ा अंदर चली जाएगी बॉल, पता ही है माइनस वी के साथ लेफ्ट पे जाएगी, तो V1 की जगह -V, इसे सॉल्व करके V की वैल्यू आएगी। ये बहुत यूज होने वाला क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ एक टेक्निक है, किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर फंस गए और आप मोमेंटम कंजर्वेशन से या एनर्जी कंजर्वेशन से या V1 V2 के फॉर्मूला से अपना आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो कोई बात नहीं, रेस्टिट्यूशन आपको हेल्प करेगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ये न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। और आखिरी पार्ट आज का, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D।